हेलो एवरीवन, जय हिंद। हमारा डीएचएस और असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का क्रैश कोर्स चल रहा था। हम मैथ्स और रीजनिंग आपका कवर करवा रहे थे। अभी तक हमने 9 लेक्चर खत्म कर चुके हैं रीजनिंग का, और मैथ्स का अराउंड 6 टॉपिक्स होगा। तो काफी स्टूडेंट्स का ये रिक्वायरमेंट था, ये रिक्वेस्ट था कि हम अभी जो आपका डीएचएस का 29 मई में जो एग्जाम हुआ था, उसका मैथ्स और रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने के लिए हम आपको शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड कराएंगे और आपको आंसर से बताएंगे कि आपको सेकंड में आपका आंसर कैसे आएगा। तो बहुत आसान पेपर था, उम्मीद है आपने काफी अच्छा किए होंगे। हमारे स्टूडेंट्स ने काफी अच्छा किया और बहुत सारा क्वेश्चन हमारा क्लासरूम का क्वेश्चन कराया, जो क्वेश्चन है उसी से डिक्टो पूछा गया। एक्चुअली हमने प्रीवियस ईयर कवर करवा लिया था, तो काफी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर फॉर्मेट से रिपीट किया गया था, तो इससे काफी क्वेश्चन कॉमन आ गया था। तो चलिए आज हम ये वाला टॉपिक खत्म करेंगे। और ये चीज है कि मतलब हमारा टॉपिक जितना खत्म होगा, मतलब अभी तक हमने जितना मैथ्स और रीजनिंग खत्म किया उसके ऊपर हम एक अलग सा ट्यूटोरियल बनाएंगे, जैसे आज बना रहे। ये टॉपिक के ऊपर जितना सारा कवर करवाया उसमें प्रीवियस ईयर जितना भी मतलब क्वेश्चन पूछा गया वो सारा क्वेश्चन वन टाइम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे सेक्शन वाइज। तो चलिए आज हम मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन ले रहे। क्वेश्चन नंबर 41 बहुत आसान क्वेश्चन था। हमने परसेंटेज टॉपिक करवाया, आप प्लेलिस्ट में जाके परसेंटेज देख सकते हैं और वहां पे जाके देखिए हमने कौन से हायर लेवल में क्वेश्चंस करवाया, लेकिन एग्जाम में कितना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है ये देख लीजिए। आपको आसान इसलिए लग रहा होगा क्योंकि आपने बहुत हाई लेवल में क्वेश्चन कर रखा है। तो यही होता है कि हायर लेवल क्वेश्चन करने के बाद ये वाला क्वेश्चन काफी आसान लगने लगता है। हम आपको कोशिश करेंगे कि मतलब बहुत एक अच्छा शॉर्ट ट्रिक से आपको प्रोवाइड कराने के लिए, क्योंकि बहुत कम टाइम रहता है। क्वेश्चन में बोला व्हाट इज द नंबर होज 12 कंप्लीट 1/2% इज 64.5। ये कौन सा नंबर है, व्हाट इज द नंबर, ये कौन सा नंबर है जिसका 12 1/2% 64.5 होता है। कौन सा नंबर हमें पता नहीं है, एक्स है। तो मान लेता हूं कोई मैंने एक्स नंबर लिया है और x का मैं 12 1/2% ले रहा हूँ, x का कितना ले रहा हूँ 12 1/2% ले रहा हूँ। इसका मतलब होता है इक्वल टू वैल्यू कितना आ रहा है 64.5। तो x ऑफ इनटू 12 24 + 1 25/2। और हमने आपको बोला था परसेंटेज जहां पे भी है परसेंटेज को हटा के क्या ऐड करना है, डिवाइडेड बाई 100। तो इक्वल टू 64.5। तो अभी आप देखिए, अब ये 64.5 अगर मैं पॉइंट हटा दूंगा तो नीचे आ जाएगा मेरा 10। अगर मैं x का वैल्यू निकालूंगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है सर, तो ये वाला हो जाएगा 645 इंटू 2 इंटू 100 और नीचे हो जाएगा हमारा 25 इंटू 10। 0 0 गेटिंग कैंसिल, 5 2 10, 5 5 25। अगर ये 5 हो गया, अगर ये 5 है तो 5 कितना बार जाएगा 645 में, अब देखिए 5 जाएगा 1 टाइम्स, 14 आ गया, 2 5 10 4, तो ये हो गया 129। तो इज योर 129, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। अभी आप देखिए, अभी आपको ये वाला क्वेश्चन ना सॉल्व करने का जरूरत नहीं है सेकंड में आंसर कैसे। अगर मैं 4 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 9 36, तो लास्ट डिजिट हमारा क्या आएगा 6 आएगा, लास्ट डिजिट 6, एक ही आंसर है, आंसर हो गया ए, करने का जरूरत ही नहीं है। इससे क्या होगा, आप काफी टाइम सेव कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए 129 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 9 36, 3 3 4 12, 4 12 48 और 3 51, तो लास्ट डेट हमारा क्या आ रहा था 6, वही हमने यहाँ से 6 ले दिया था, ऑप्शन ए से। ऐसे शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो आपका काफी टाइम बच जाएगा। चलिए फिर हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपका अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। तो चलिए फिर हम अगला वाला क्वेश्चन ले रहे हैं। ये तो बहुत आसान, अच्छा मतलब इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता है। 2 to the power 3, मतलब 2 हो गया हमारा 3 टाइम्स, और 3 to the power 3, मतलब 3 हो गया हमारा 3 टाइम्स। और आपको पता है कि इवन मतलब अगर माइनस का पावर अगर इवन है तो हमेशा प्लस हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा 6 मेरा 2 टाइम्स, 6 हो जाएगा मेरा 2 टाइम्स। 7 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा मेरा 2 टाइम्स। ये तो माइनस है तो सामने माइनस आना ही आना है, तो ये वाला हो गया 7/4, ये वाला हो गया 3/2। अभी आप कैंसिल आउट करते रहिए, ये 3 6 में जाएगा 2 टाइम्स, 3 6 में जाएगा 2 टाइम्स, ये 2 2 गेटिंग कैंसिल आउट, और फिर आगे कुछ बच नहीं रहा, ये वाला 7 और ये वाला 7 मेरा कैंसिल आउट, 2 2 4, 4 4 गेटिंग कैंसिल, फिर आगे कुछ बच रहे थे सर, ये वाला आगे बढ़े आगे जाएगा तो 2 2 4 और 2 2 4, अच्छा फिर ये वाला 3 और ये वाला 3 भी तो कैंसिल आउट हो रहा है, तो ऊपर में क्या बचा है 2 और 2 बचा रहेगा, ये उससे दे देगा आपको 2 2 देगा 4,
और ये वाला आपका नीचे क्या बचा हुआ है, सेवन, एक माइनस साइन है तो सामने क्या आ जाएगा आपका माइनस, माइनस फोर बाई सेवन, माइनस फोर बाई सेवन आंसर इज योर सी, आंसर इज योर सी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन हो गए। यही फायदा है कि मतलब अगर आप थोड़ा शॉर्ट ट्रिक अगर अप्लाई करेंगे ना सर, तो बहुत आसान क्वेश्चन, मतलब बहुत जल्दी जल्दी आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो चलिए फिर हम अगला वाला क्वेश्चन ले रहे हैं आपका, अगला वाला क्वेश्चन, चलिए फिर हम अगला वाला क्वेश्चन ले रहे हैं। द एरिथमेटिक मीन ऑफ 10 नंबर इज 20, इफ 5 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम एवरी नंबर व्हाट विल बी द न्यू नंबर, व्हाट इज, व्हाट विल बी द न्यू मीन। तो अगर ये 20 है तो 20 माइनस 5 आंसर इज 15, एक सेकंड का आंसर। आप क्वेश्चन देखिए बोलेंगे सर कैसे हुआ, उसका थोड़ा अप्रोच हम आपको बोलेंगे। अभी आपको इतना अच्छे समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन आपको कराएंगे इस टॉपिक का, एवरेज का क्वेश्चन है, उसमें हम डिटेल डिस्कस करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 10 नंबर है, एन वन, एन टू, एन थ्री, एन फोर, एन फाइव, एन सिक्स, एन सेवन, एन एट, एन नाइन, एन टेन। तो ये 10 नंबर का मीन कितना दिया हुआ है सर, 20 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला हर नंबर में से 5 घटाया गया, शॉक नंबर तक हमारे फास्ट फास्ट कमाई से, शॉक नंबर तक फास्ट फास्ट कमाई से। तो अगर एवरी नंबर से, सब नंबर से अगर एक माइनस, अगर माइनस 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 फाइव, माइनस फाइव हो रहा है, तो आप कुछ मत कीजिए, जो भी मीन दिया हुआ है ना सर, जो मीन दिया हुआ है उसमें से आप 5 घटा दीजिए, आंसर 20 माइनस फाइव आंसर हो गया, 20 माइनस फाइव आपका आंसर हो गया 15। अगर हर नंबर में से, मेरा कहने का मतलब ये था, हर नंबर में से अगर कॉमन नंबर अगर माइनस हो रहा है, कम हो रहा है, तो मीन में भी वही चीज कम होगा। हर नंबर में जो चीज बढ़ेगा मीन में भी वही बढ़ेगा, हर नंबर में जो चीज कमेगा मीन से भी वही चीज कमेगा। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, इसी पे क्वेश्चंस था, एक सेकंड का क्वेश्चंस था। चलिए फिर हम अगला वाला क्वेश्चन ले रहे हैं। चलिए फिर हम अगला वाला क्वेश्चन ले रहे हैं। ये तो आपका सिंप्लीफिकेशन के ऊपर था, ये बहुत आसान था। आप हमारा सिंप्लीफिकेशन का ट्यूटोरियल देखिए और आप देखिए हमने कौन सा लेवल में करवाया और कौन सा लेवल क्वेश्चन में पूछ रहा है। ये वाला सिंप्लीफिकेशन एग्जैक्ट डिटो क्वेश्चन हमने सिंप्लीफिकेशन के सीरीज में करवाया, शायद वैल्यू थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट पैटर्न में एग्जैक्ट क्वेश्चंस किया हुआ है, आप जाके ट्यूटोरियल में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर से लिया हुआ है, हमने प्रीवियस ईयर कवर करवाया था। जो भी मैं क्वेश्चन लेता हूँ मैक्सिमम वो प्रीवियस ईयर से ही होता है, इसलिए कॉमन आ जाता है कुछ कुछ क्वेश्चन। तो आपको पता है कि बदमाश रूल, आपको पता है, मैं थोड़ा बेसिक से बताऊंगा। बदमाश रूल में क्या होता है, पहले आएगा आपका ब्रैकेट, ब्रैकेट फास्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट, और उसके बाद आएगा आपका थर्ड ब्रैकेट। ऑफ होता है प्रोडक्ट, डिवाइड होता है डिवाइड, एम मल्टीप्लाई, ए एडिशन, एफ सब्ट्रैक्शन, ठीक है सर। तो पहले हम फास्ट ब्रैकेट काम करेंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द रेस्ट विल रिमेन सेम। यहाँ पे जहाँ पे भी फास्ट ब्रैकेट दिख गया सर, काम कर दीजिए, 11 × 11 = 121, माइनस 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 हो जाएगा हमारा 4, माइनस सेकेंड ब्रैकेट में आएंगे 9 − 2 कितना हो जाएगा सर 7, ये सेकेंड ब्रैकेट। आगे बढ़िए, 118 − 121 / 4 − 3 − 7 आपका कितना हो जाएगा सर, 3 − 7 आपका हो जाएगा −4, और माइनस 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 फोर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो देट विल बी योर +4। आगे बढ़ेंगे, अगर हमने यहाँ पे ब्रैकेट में आया तो देखा कि पहले हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद देखिए पहले डिवाइड आ रहा है कि प्लस आ रहा है, तो पहले डिवाइड करेंगे तो 121 / 121 = 1144, तो 4 + 4 हो जाएगा 8, 8 + 1 = 9, तो 118 − 9 इज योर आंसर इज योर 109, तो योर ऑप्शन इज योर ए 109। चलिए फिर हम अगला वाला क्वेश्चन ले रहे हैं, चलिए फिर हम अगला वाला क्वेश्चन ले रहे हैं। ये वाला टॉपिक हमने अभी तक कवर करवाया नहीं, यूनिटी मेथड का क्वेश्चन से अभी हम मैथ्स में कवर अप करेंगे। तो क्वेश्चन में बोल रहा था कि इफ द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज 8.75, मतलब रुपीज 875 में आपको कितना बुक मिल रहा है सर, 1 नोटबुक मिल रहा है, बहुत अच्छा। तो एक रुपीज में आपको कितना मिलेगा सर, रुपीज 1 में मिलेगा 1/8.75, ठीक है सर। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि रुपीज 131.25 से कितना मिल रहा है, तो 8.75 × 131.25, यही है आपका क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला नहीं हूं, पता है क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे देखिए, देख के ही लग रहा है कि अगर यहाँ पे लास्ट डिजिट देखिए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो ऐसा नंबर आप बोलिए, ऐसा आप नंबर बोलिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला, मैं आपको कैसे ये चीज समझाऊंगा,
जैसे मैंने बोला कि सिक्स को ना, सिक्स को मैं अगर मिल रहा है तो टू थ्री जा सिक्स मिलेगा, मतलब थ्री टाइम्स गया। कितना बार गया सर? थ्री टाइम्स गया। किससे डिवाइड किया? टू से डिवाइड किया। तो जो ये दोनों प्रोडक्ट करके, अगर मैं दोनों प्रोडक्ट कर दूंगा तो ये वाला आंसर आ जाएगा। सही है सर? तो इसका मतलब इसको इससे डिवाइड करके कोई रिजल्ट आ रहा है, इसको इससे डिवाइड करके कुछ रिजल्ट आ रहा है। और क्या रिजल्ट आ रहा है वो ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है सर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस वाले नंबर को इससे डिवाइड करके कुछ रिजल्ट आ रहा है। क्या रिजल्ट आ रहा है वो ऑप्शन में दिया हुआ है। आप ऑप्शन से बोलिए कौन सा ऑप्शन आएगा, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली अगर इसको इससे डिवाइड करके अगर आपका ये आंसर आ रहा है तो इसका मतलब इसको इससे प्रोडक्ट करके ये आना चाहिए, इसको इससे प्रोडक्ट करके ये आना चाहिए। अगर इसको इससे डिवाइड करके ये आ रहा है तो इस दोनों को प्रोडक्ट करके ये आना चाहिए ऑब्वियसली। आप बोलिए सर, टू इंटू फाइव टेन, कभी लास्ट डिजिट फाइव देगा? आंसर ये नहीं होगा। जीरो इंटू फाइव लास्ट डिजिट कभी फाइव देगा? जिंदगी में नहीं देगा, हमेशा जीरो देता है, तो जीरो कभी नहीं देगा। फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव, लास्ट डिजिट क्या रहा है आपका? फाइव, तो आंसर इज 15, आंसर इज 15। ऐसे क्वेश्चन आप कम से कम यहाँ पे ना आप 10 सेकंड टाइम बचा मतलब आप सेव कर सकते हैं। और मैंने आपको पहले ही बोला, मेरा मकसद ये रहेगा कि आपको शॉर्ट टिप प्रोवाइड करा के आपको आंसर तक पहुँचने के लिए। यहाँ पे ऐसे देखिए, अगर ऐसे टाइम सेव करेंगे ना थोड़ा थोड़ा, तो बहुत कम टाइम बच जाएगा आपका कैलकुलेशन में। अगर आप ये वाला समझ रहे हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आप जरा नॉर्मल डिवाइड करके आंसर ला ही सकते हो। चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन में जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 46। चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन में ले रहे। क्वेश्चन वो बोल रहा है कि सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। ये तो बहुत स्टूडेंट ने ये वाला गलत किया। मतलब मान लीजिए मैं ये वाला नंबर ले रहा हूँ राम, मैं ये बोल रहा हूँ राम, और मैं ये बोल रहा हूँ कि श्याम। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सब्ट्रैक्ट राम फ्रॉम श्याम, श्याम से राम को माइनस करना है सर। सब्ट्रैक्ट राम फ्रॉम श्याम, श्याम से राम को माइनस करना है। श्याम क्या है? तो आंसर इज मतलब अप्रोच इज माई श्याम माइनस राम। श्याम आपका क्या है? माइनस फाइव बाई सेवन, और राम को माइनस करना है माइनस। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान देंगे राम खुद निगेटिव बैठा हुआ है, मुझे तो माइनस करना है ठीक है, लेकिन राम खुद क्या है? खुद निगेटिव है, तो इसलिए इसके साथ वो अपना नंबर निगेटिव लेके आएगा। अब देखिए माइनस फाइव बाई सेवन माइनस माइनस प्लस थ्री बाई एट, सेवन और एट का एलसीएम हो जाएगा 56, 56 में आपका सेवन जाएगा एट टाइम्स, एट इंटू फाइव फोर्टी, 56 में एट जाएगा सेवन, थ्री सेवन जा 21, तो 41 से अगर 21 चला गया 19, नेगेटिव नंबर बड़ा है तो माइनस आएगा, डिवाइडेड बाई 15, तो आंसर इज योर माइनस 19 बाई 56। चलिए फिर हम अगला वाला क्वेश्चन ले रहे, चलिए फिर हम अगला वाला क्वेश्चन समझा रहे। ये क्वेश्चन तो शायद ही मैं बोल पाऊंगा कि कितना बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ होगा, तो मैं इसलिए हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ज्यादा फोकस करता हूँ स्टूडेंट्स को जब क्लास करवाता हूँ। इससे क्यों करवाता हूँ? क्योंकि स्टूडेंट्स का काफी कैलकुलेशन बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत वीक है कैलकुलेशन का, काफी डर है मैथ्स को लेकर, तो मैं कोशिश करता हूँ हमेशा बाई ऑप्शन से स्टूडेंट्स को आंसर लाने के लिए। उससे क्या होता है कि आपका कैलकुलेशन पूरा खत्म ही हो जाता है, कैलकुलेशन करने का इतना जरूरत नहीं होता है और बहुत जल्दी आंसर आ जाता है। अब मैं ये वाला जो क्वेश्चन करूंगा सर, ये वाला क्वेश्चन कोई मैं नॉर्मल मेथड से नहीं करने वाला हूँ, बाई ऑप्शन से करने वाला हूँ। बाई ऑप्शन क्या मतलब? मैं ऑप्शन ले रहा हूँ, ऑप्शन बोलेगा कि मेरे पास आंसर तो दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में किसका वैल्यू निकालना है सर? इसका क्वेश्चन दिया हुआ है कि एन का वैल्यू निकालना है। एन का जो वैल्यू निकालना है वो तो आपका आंसर तो दिया हुआ है ना, चार आंसर मेरे पास है, चार में से कोई एक आंसर होगा। ऑप्शन दिया हुआ है मतलब आंसर दिया हुआ है ऑप्शन, और अगर मैं ऑप्शन को रिजेक्ट कर पा रहा हूँ तो फाइनल आंसर तक मैं आ जाऊंगा। तो मैंने क्या किया, एन का वैल्यू एल वन ले लिया। एन का वैल्यू अगर मैंने वन लिया तो वन माइनस टू, एन का वैल्यू वन पुट कर रहा हूँ, इंटू थ्री, टू इंटू वन माइनस थ्री, तो क्या 130, देखिए वन एन वन पुट करके क्या 135 आ रहा है क्या? आप देखिए फाइव वन माइनस टू माइनस वन इंटू थ्री, वन टू इंटू वन टू माइनस थ्री, तो माइनस वन फाइव वन बाई फाइव इंटू वन। निगेटिव अगर पावर पावर अगर निगेटिव है तो ये वाला जो नंबर है वो उल्टा हो जाएगा, मतलब पावर अगर निगेटिव है तो अंदर वाला नंबर उल्टा हो जाएगा, तो ये वाला हो गया 1/15। क्या मेरा आंसर 135 आ रहा है? नहीं होगा ऑब्वियसली, तो मेरा ऑप्शन ए वन नहीं हो सकता है, तो मैं बी में जा रहा हूँ। अगर मैं बी में जा रहा हूँ तो
तो मैंने बी में क्या किया, एन का वैल्यू टू पुट किया। तो अगर आप एन का वैल्यू टू पुट कर रहे हैं तो फाइव में डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, टू माइनस टू जीरो इंटू थ्री, टू इंटू टू फोर, फोर माइनस थ्री वन, फाइव जीरो मतलब वन, थ्री वन मतलब थ्री, थ्री इंटू वन थ्री। कभी मेरा क्या मेरा आंसर 135 आया? नहीं आया। तो चलिए सर फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम ऑप्शन ले रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी ले रहे हैं, एन का वैल्यू पुट कर रहे हैं थ्री। तो n का वैल्यू अगर 3 पुट किया तो 3 माइनस टू इंटू थ्री, टू इंटू थ्री माइनस थ्री, फाइव टू दी पावर 3 माइनस टू इज योर 1, और 3 2 टू दी पावर 6, 6 माइनस 3 हो जाएगा आपका 3, 3 हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा 5, और 3 क्यूब मतलब 27, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, कैरी 1 2 5 जा 15, 2 27 इंटू 5, 5 7 जा 35, कैरी 3, 2 5 जा 10, और 35 135। क्या आपका आंसर 135 आया? आया। कौन सा वैल्यू पुट करके? n का वैल्यू 3 पुट करके, तो योर आंसर इज योर सी। देखिए इतना आसान क्वेश्चन बाय ऑप्शन से अगर करेंगे तो इतना जल्दी आपका आंसर आ जाएगा, यही है शॉर्ट टिक करके, शॉर्ट टिक से आंसर लाने का यही बात है। चलिए फिर हम अगला वाला क्वेश्चन ले रहे हैं, तो चलिए फिर हम अगला वाला क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहे हैं, सुमा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर ब्रदर। यहाँ पे सुमा है और यहाँ पे ब्रदर है, ठीक है। अब देखिए सुमा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर ब्रदर, ट्वाइस, सुमा टू टाइम्स बड़ी है अपने भाई से। सुमा मतलब सुमा बड़ी बहन है, तो भाई का जो भी एज होगा ना, भाई का जो भी एज होगा सुमा का, उसका डबल होगा। सुमा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर ब्रदर, सुमा अपने भाई से टू टाइम्स है एज का। तो अगर मैं ब्रदर मान लिया एक्स, तो सुमा क्या हो जाएगा? ट्वाइस एक्स, सिंपल सी बात है। अगर मैं ब्रदर को लिया एक्स तो सुमा क्या हो जाएगी? ट्वाइस एक्स। इन सिक्स इयर्स, इन सिक्स इयर्स टाइम, छह साल के बाद, बात किसका हो रहा है? इन सिक्स इयर्स टाइम मतलब, इन सिक्स इयर्स मतलब छह साल में मतलब छह साल के बाद, तो छह साल के बाद सुमा का एज क्या हो जाएगा? ट्वाइस एक्स प्लस सिक्स, और अपने भाई का एज क्या हो जाएगा? एक्स प्लस सिक्स। जैसे आज मेरा, आज आपका अगर एज अगर 20 है तो पांच साल क्या हो जाएगा? 25, 20 प्लस 5, 25, तो वही चीज है, छह साल के बाद वो हो जाएगा। सम ऑफ देयर एजेस विल बी 39 ईयर्स, बोल रहे हैं छह साल के बाद दोनों का एज कितना हो जाएगा सर? 39। तो बोल रहे हैं कि व्हाट इज आर एज नाउ, तो अगर ये वाला हमने सॉल्व किया, 6 प्लस 6 हो जाएगा 12, ट्वाइस एक्स प्लस 12 इक्वल्स टू 39, तो ट्वाइस एक्स इक्वल्स टू 39, 39 माइनस 12 तो थ्राइस एक्स इक्वल्स टू 27, तो एक्स हमारा कितना हो गया? 9, एक्स हमारा कितना हो गया? 9। लेकिन सुमा का आज एज तो 9 नहीं है ना, एक्स 9 मतलब भाई का एज कितना हो गया? 9, और सुमा का कितना हो गया? 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू 9, तो कितना हो गया हमारा? 18। तो सुमा का आज का एज कितना हो गया? 18, अपने भाई का कितना हो गया? 9। तो किसका पूछा? हार मतलब सुमा का, तो योर आंसर इज योर बी, आंसर इज योर 18। उम्मीद है आपको ये वाला क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर अगला वाला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, चलिए फिर हम अगला वाला क्वेश्चन ले रहे हैं। इफ ईच ऑफ द टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलिस ट्राइंगल, इफ ईच ऑफ द टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन, ये वाला है आइसोसेलिस ट्राइंगल, आइसोसेलिस ट्राइंगल। आइसो का मतलब होता है कि टू, और सिलिस का मतलब होता है साइड, आइसोसेलिस। तो इसका मतलब होता है कि दो साइड क्या है हमारा? इक्वल है। मान लेता हूं कि ये दोनों मेरा साइड इक्वल है। If each of the two equal angles of an two equal, obviously अगर ये दोनों साइड अगर इक्वल है तो हमारा दोनों एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा। If each of the two equal angles of an isosceles triangle is, ये दोनों एंगल is twice the third angle, ये third angle, this is my third angle, तो ये third angle का बोल रहे क्वेश्चन में, third angle जो भी होगा ना, मान लीजिए third angle मेरा थीटा है, तो बोल रहा है क्वेश्चन में टू इक्वल एंगल ऑफ एन आइसोसेलिस ट्राइंगल, दोनों इक्वल एंगल, ये थर्ड एंगल का क्या है? ट्वाइस द थर्ड एंगल मतलब इसका टू टाइम्स है, तो ये हो जाएगा मेरा टू थीटा, ये हो जाएगा टू थीटा, ठीक है सर। और हमें क्या पता है कि एक ट्राइंगल का तीनों एंगल हमारा क्या हो जाता है?
180 डिग्री, तो ये वाला आपका हो जाएगा 4 थीटा प्लस थीटा 5 थीटा, तो 5 थीटा इज योर 180, तो थीटा हो जाएगा आपका 180 डिवाइडेड बाय 5, सो दैट इज योर 36। तो थीटा 36 मतलब ये वाला 36, अगर ये 2 थीटा मतलब 2 into 36, तो ये वाला हो जाएगा हमारा 72, अगर ये 72 है तो ये वाला भी हो जाएगा हमारा 72 डिग्री। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा, देन स्मॉलेस्ट एंगल इज, तो छोटा वाला एंगल क्या मिल रहा है सर, 36, तो छोटा वाला वैल्यू इज योर 36, आंसर इज योर डी। चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन ले रहे, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, डीएचएस में 10 क्वेश्चन आया था मैथ्स और रीजनिंग से, तो आज का लास्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। आप एक बार देखिए कि कितना इजी क्वेश्चन, मतलब दो लाइन का क्वेश्चन दिया हुआ है डीएचएस में, हमने 10-10, 12-12 लाइन का क्वेश्चन करवाया डायरेक्शन में, आप जाके हमारा प्लेलिस्ट देख सकते हैं। हम कौन से लेवल में आपको क्वेश्चंस कराते हैं और क्वेश्चन कौन से लेवल में पूछता है, आप दोनों चीज को रिलेट कीजिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा। जब आपका लेवल अप हो जाएगा तब ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी लगने लगेगा। ए मैन गोज 10 मीटर ड्यू ईस्ट, तो वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है सर, वो कितना गया, 10 मीटर गया, बहुत अच्छा। एंड देन 24 मीटर ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ मतलब वो ऊपर की तरफ गया, नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ गया, कितना गया सर, 24 मीटर गया, बहुत ही अच्छा। तो दिस इज हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहां तक आ गया, तो दिस इज हिज एंडिंग पॉइंट, ये वाला एंडिंग पॉइंट। व्हाट इज हिज प्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो इसका प्रेजेंट यहाँ पे है, बोल रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से उसका डिस्टेंस कितना निकालना है। आपको हमने आपको बोला था जब भी वो टर्न देगा सर, वो कितना डिग्री का टर्न देगा, 90 डिग्री का टर्न देगा। अगर ये मेरा 90 डिग्री हो रहा है, तो 90 डिग्री का ठीक ऑपोजिट साइड वाला लॉन्गेस्ट साइड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। और हमने एक प्रॉपर्टी आपको करवाया था, पाइथागोरस थ्योरम हमने आपको बोला था। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम ये चीज बोलता है कि सबसे लंबा जो साइड है ना सर, आप उसका स्क्वायर ले लीजिए, एबी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर इक्वल्स टू, सबसे लंबा वाला साइड का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो बाकी साइड का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, तो दैट इज योर एसी स्क्वायर प्लस क्या हो गया हमारा बीसी स्क्वायर, बात खत्म। एबी स्क्वायर निकलना है, एसी आपका क्या है 24 का होल स्क्वायर, और ये वाला 10 का होल स्क्वायर 24 into 24 96 48, तो ये वाला हो जाएगा आपका 576 प्लस 10 का 100, तो ये वाला हो जाएगा आपका 676 एबी स्क्वायर, तो आपका एबी क्या हो जाएगा सर, एबी हो जाएगा देखिए 26, मुझे करना ही नहीं पड़ा। तो यही क्वेश्चन, यही फायदा है, अगर फायदा ये है कि जब भी आप क्वेश्चंस ना, जैसे कि मान लीजिए आप बोलेंगे सर आपने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू कैसे पुट कर दिया, देखिए वही बाई ऑप्शन से मैं डायरेक्ट करूंगा, शायद मैं कुछ गलत भी कर सकता हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए। यहाँ पे जो 6 डिजिट है ना, 6 का अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो कोई भी नंबर होगा तो 6 का हमेशा लास्ट डिजिट 6 ही रहेगा, मतलब इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे दिया हुआ, ये छोड़ दीजिए, इसका वैल्यू छोड़िए, मतलब अच्छा ये चीज बोलिए, अगर मैं ये वाला एबी ले रहा हूँ यहाँ पे, तो एबी अगर मेरा एबी यहाँ पे है तो एबी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे है, तो अगर मैं इसका वैल्यू जो भी होगा, ये वैल्यू क्या है मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन इसका स्क्वायर करके ये वाला आना चाहिए। तो आप मुझे बोलिए कभी 30 into 30 कभी लास्ट डिजिट कभी 6 आएगा, कभी 32 into 32 कभी लास्ट डिजिट 6 आएगा, 35 into 35 कभी लास्ट डिजिट 6 आएगा, कभी नहीं आएगा। इस 35 into 35 ये हमेशा लास्ट डिजिट 5 देगा, 32 into 32 हमेशा 4 देगा, 30 into 30 हमेशा लास्ट डिजिट 0 देगा, 6 into 6 हमेशा लास्ट डिजिट क्या देगा, 6, लास्ट डिजिट यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 6, आंसर इज 26, आपको करना ही नहीं पड़ा। लेकिन अगर यहाँ पे आप करेंगे ना, तो ये आप टाइम पास कर रहे हो और कुछ नहीं, मतलब ये टाइम वेस्ट हो रहा है आपका, यहाँ पे आप 10 सेकंड और आप बचा सकते हैं, 10 से 15 सेकंड आप बचा सकते हैं। वही फायदा है कि बाई ऑप्शन से अगर करेंगे तो क्वेश्चन आपका बहुत इजीली हो जाएगा, टाइम बच जाएगा और आपका कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे, क्योंकि कैलकुलेशन से आप काफी डरते हैं, वो चीज हमें बहुत अच्छे से पता है। तो ये डीएचएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कवर करवा दिया पूरा, जो भी क्वेश्चन आया हुआ था यूजिंग शॉर्ट ट्रिक यूजिंग बाई ऑप्शन, आप हमें कमेंट सेक्शन में बोलिए। ये पहला ट्यूटोरियल है जो हमने आपको बाई ऑप्शंस कराने का कोशिश किया, शॉर्ट ट्रिक तो हमेशा प्रोवाइड करवाता ही, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए क्या आपको बाई ऑप्शन समझ में आ रहा है क्या, अगर आपको बाई ऑप्शन मेथड समझ में आ रहा है आप हमें बोलिए, हम अभी अगले क्वेश्चन जो भी आएगा हम आपको बाई ऑप्शन से कराने का कोशिश करेंगे, इससे क्या होगा आपका बहुत टाइम बच जाएगा और आपका बहुत कैलकुलेशन
बच जाएगा। और ये एक मोटिवेशन के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, टाइम बिल्कुल भी नहीं है, बस अगला 2 महीना है, आप अपना प्रिपरेशन में लगे रहिए और जितना भी हेल्प हो सके हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। हम बहुत बिजी रहते हैं, बहुत सारा क्लासेस चल रहा है, मतलब 8 to 10 बैचेस चल रहा है अभी हमारा प्रेजेंटली, तो इससे बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता है कि यू नो टाइम प्रोवाइड करा, मतलब इतना वीडियो शूट करने में। अभी अर्ली मॉर्निंग हम 4-5 बजे अभी वीडियो शूट कर रहे हैं, टाइम ही नहीं है। तो इसलिए जितना कोशिश हो पा रहा है मैं अपने साइड से कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक आप एक काम कीजिए, जितना भी मैथ्स और रीजनिंग में कवर हो चुका है आप वो अपना प्ले लिस्ट में जाके आप पूरा कवर अप कर लीजिए। हम कोशिश करेंगे जितना हो सके हम आपका मैथ्स और रीजनिंग का कवर करवा दे। और एक इम्पोर्टेंट के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, सर आप कुछ करें ना करें लेकिन आप प्रीवियर से जरूर देख लेना, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन प्रीवियर से रिपीट होता है। ये आसाम गवर्नमेंट का कोई भी गवर्नमेंट मतलब एग्जाम हो, ये एक ट्रेंड है। आप प्रीवियस ईयर 5 ईयर्स अगर आप कवर कर लेंगे ना सर, आप मुझे बिलीव रखिए कि आप 60% क्वेश्चंस करके आ जाएंगे प्रीवियस ईयर से। अगर आप बस प्रीवियस ईयर ही करेंगे ना तो 60% आपका कवर अप हो जाएगा। और मैंने ये इरादा ठान लिया है कि मैं रेगुलरली मॉक टेस्ट ले रहा हूँ, और आप मान के चलिए, आप विश्वास कीजिए, जो भी मॉक टेस्ट ले रहा हूँ ना आप एक बार क्रॉस चेक करके ले लीजिए। लास्ट वाला हमने जो मॉक टेस्ट 1 लिया था वो मैक्सिमम क्वेश्चन लास्ट बीएचएस का एग्जाम जो हुआ था उससे लिया था, और कल का जो मॉक टेस्ट लिया था वो वाला 2017 का इरिगेशन डिपार्टमेंट में एग्जाम हुआ था Grade 4 का, उसके मैंने क्वेश्चन लिया है। तो अगला जो भी मॉक टेस्ट होगा आप मॉक टेस्ट जरूर आप पार्टिसिपेट कीजिए। इससे आपको क्या होगा कि बैकग्राउंड में जितना भी क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर में जो डिपार्टमेंटल क्वेश्चन है वो मैं आपका सारा कवर अप करवा दूंगा, आपको बैकग्राउंड में सब कवर अप हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब मैं मॉक टेस्ट लेता हूँ तो जब क्वेश्चन करवाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ उसका भी एक अप्रोच, उसका भी एक शॉर्ट ट्रिक्स आपको आंसर याद दिलाने का, क्योंकि जीएस का इतना क्वेश्चन हो जाता है कि मतलब याद करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम जो भी मतलब करवाते हैं यूजिंग शॉर्ट ट्रिक, यूजिंग मतलब एक मेथड बना के हम आपको बोलते हैं ताकि आप कभी ना भूले। तो ये वाला था कि हम जितना कोशिश हो सके, हम देखिए हम कोशिश कर रहे हैं जी जान लगा के कि आपका सिलेक्शन में हम जैसे लोगों का अगर छोटा मोटा अगर हेल्प हो गया तो जिंदगी में सारा जिंदगी भर आपका क्रेडिट रहेगा। तो ये एक चीज है कि हम कोशिश करेंगे आपका सिलेक्शन में मैं कुछ हेल्प कर पाऊंगा। ये मेरे लिए बहुत लकी का बात होगा कि अगर सिलेक्शन में आप जैसा लोगों का अगर सिलेक्शन में मेरा जैसे लोगों का अगर थोड़ा बहुत अगर हेल्प कर पाए तो मतलब ये वीडियो बनाने का, ये इतना सारा मेहनत करने का पूरा सक्सेस मिल जाएगा मुझे। मुझे कुछ मोनेटाइजेशन नहीं चाहिए सर, मुझे यूट्यूब से कुछ नहीं चाहिए, क्या दे देगा यूट्यूब से, क्या ही मिल जाएगा एडुकेशन प्लेटफॉर्म, वो भी इतना छोटा जैसे प्लेटफॉर्म में। तो चलिए मैं उसका कुछ बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ आपका मोटिवेशन हमें बहुत अच्छा लगता है, यही चीज़ हमें सपोर्ट करता है आगे वीडियो बनाने का, सुबह 4 बजे उठ के वीडियो बनाने का, क्योंकि हमें पता है आप वेट कर रहे होते, आप इंतजार में रहते कि अगला वीडियो कब आएगा। और आप देखेंगे इतना सारा कमेंट रहता है कि सर अगला वीडियो कब आ रहा है, कमेंट सेक्शन में, पर्सनल मैसेज में, वो चीज़ हमें बड़ा अच्छा लगता है और अपना का मोटिवेटिंग कमेंट्स हमें और अच्छा लगता है। चलिए आज के लिए इतना ही, आपका मतलब रेगुलर आप लगे रहिए, जो भी डाउट होगा आप हमें बोलिए, हम कोशिश करेंगे। और इसका आपका ट्यूटोरियल जो भी है मेरा पूरा प्रीवियस ईयर में डीएचएस में अभी जो एग्जाम आया था उसका पूरा ऑलरेडी हमने सब ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया, अभी टेलीग्राम में, अभी टेलीग्राम में भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा कमेंट सेक्शन में, पहला कमेंट पिन किया रहेगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। सब स्टडी मटेरियल जो कोचिंग में कराते हैं, जो हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराते हैं, वो हम फ्री में आपको प्रोवाइड कराते हैं। सर हेल्प करने से कभी कुछ कमता नहीं है, हेल्प कर ही रहे तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, और भी करेंगे, क्या है पैसा का क्या है, वो तो आता जाता रहता है। तो चलिए हम कोशिश करेंगे आपको जितना हो सके हम आपको प्रोवाइड कराने का पूरा फ्रीली सब मटेरियल, कोचिंग का, रेगुलर क्लासेस वगैरह का, प्रीवियस ईयर का सब कवर कर मतलब प्रोवाइड करा रहे ट्यूटोरियल में। बहुत क्वेश्चन बोलते हैं कि सर हम तो लेट ज्वाइन करते, पहले वाला नहीं मिला, सर हम नोट्स रिपीट मोड में हम सेंड करते हैं। तो अगर आपने आगे ज्वाइन किया तो दिक्कत मतलब टेंशन मत लीजिए, वो प्रीवियस वाला भी जितना भी है वो हम टाइम टू टाइम वन टाइम सब कवर करवा लेते हैं, वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको अच्छा ही लग रहा होगा। आप ये वाला हमें जरूर फीडबैक देना कि ये बाई ऑप्शन मेथड आपको समझ में आ रहा है क्या, क्या हम उसको कंटिन्यू करें, आपका रेस्पॉन्स देख के हम अगला वाला वीडियो बनाएंगे उसी हिसाब से। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।